दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आप ड्राइविंग लाइसेंस डीएल को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस सपोज दैट फट गया है या खो गया है, किसी भी तरीके का आप डैमेज हो गया, तो उसे कैसे आप डाउनलोड कर पाएंगे घर बैठे, मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बने इस वीडियो में लगातार, मैं हूँ पवन छागड़ और आप देख रहे दोस्तों अपना चैनल हेल्प हिंदी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन दबाएं, इससे मेरे आने वाले सभी वीडियो आप देख सकें। तो ड्राइविंग लाइसेंस बहुत ही आसानी से घर बैठे मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको एक ब्राउज़र पर आना है और किसी ब्राउज़र पर आपको परिवहन लिख देना है। जैसे परिवहन लिखेंगे, parivahan.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने ओपन होकर आएगी। इसको आपको नए टैब में या उसी टैब में ओपन कर लेना है। यह काम अपने मोबाइल फ़ोन पर भी आप कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर ऑनलाइन सर्विसेज पर आना और यहाँ व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज और ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विस सेकेंड ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड ओपन होकर आएगा और आपको अपने स्टेट का नाम सिलेक्ट कर लेना है, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो। जैसे मैं यूपी से करता हूं तो मैंने यूपी सिलेक्ट किया, आप जिससे करते हो उस सिलेक्ट को नाम सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहां पर आपको ऐसा देखिए नीचे ऑप्शन खुलकर आएगा और आपको डीएल सर्विसेज पर क्लिक कर देना है। डीएल सर्विसेज पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा पूरा डिटेल ओपन होकर आएगा, बड़ा सा फॉर्म। अब आपको यहां पर कंटिन्यू फॉर्म पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहां पर सबसे पहले ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, आपका जो भी ड्राइविंग लाइसेंस नंबर हो वो यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ, जो ड्राइविंग लाइसेंस में एंटर हो वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो चलो मैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर और डेट ऑफ बर्थ दोनों यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। जैसे आप डिटेल अपनी एंटर करते हैं, अब आपको यहाँ पर कुछ भी सिलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं, बस आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है। ध्यान ये रखना, आपको डीएल नंबर आपको देख लेना कैसे आपके एंटर, अगर चार अंकों के बाद स्पेस है तो स्पेस एंटर करें, अगर स्पेस नहीं है या कोई स्लैश लगा है तो जिस, देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, जिस कैटेगरी का आपका डीएल नंबर हो उसी कैटेगरी में आपको यहाँ पर एंटर कर रहा है, अन्यथा आपका ये डुप्लीकेट इनवैलिड बता देगा। तो आपको ये ध्यान रखना, अगर स्पेस है बीच में तो आपको स्पेस एंटर करना है, स्लैश है तो स्लैश एंटर करना है या डैश है तो डैश एंटर करना है। इसके बाद प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है। ये एंटर करने के बाद दोस्तों प्रोसीड पर ना क्लिक, आपको गेट डीएल डिटेल पर क्लिक करना है। ऐसे लोड होगा और आपका पूरा ड्राइविंग लाइसेंस आपके सामने यहाँ पर विद फोटो विद सिग्नेचर वगैरह आ जाएगा, पूरा डिटेल आप ये देख पा रहे हो कि पूरा ड्राइविंग लाइसेंस मैंने चीज़ें यहाँ पर हाइड कर रखी हैं। अब इसको आपको प्रिंट आउट करा लेना है। ये बहुत ही बेहतरीन मेथड है दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस डाउनलोड करने का, आपको कोई भी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये सारी डिटेल आपकी ड्राइविंग लाइसेंस फेज करके आ जाती है, आप इसे प्रिंट आउट प्रिंट कर सकते हैं और एज अ ड्राइविंग लाइसेंस यूज कर सकते हैं। दोस्तों सेकंड मेथड एक और होता है, अगर आपके पास वो मेथड आप चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं, वहाँ पर भी आप सिर्फ नाम के अपने नाम और डेट ऑफ बर्थ वगैरह से डाउनलोड कर पाएंगे, वो मेथड भी मैं बता दूंगा। तो ड्राइविंग लाइसेंस आपका खो गया हो, फट गया हो, कुछ भी हो गया, आप इसे डाउनलोड करके इसे कहीं पर किसी भी दुकान पर प्रिंट करा सकते हैं। तो ये पूरा मेथड कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बात जरूर बताएं, साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है या आपका ड्राइविंग लाइसेंस किसी कारणवश नहीं प्रिंट हो पा रहा तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपको ध्यान ये रखना कि ड्राइविंग लाइसेंस में जो भी स्पेस वगैरह है या कॉमा वगैरह उसको आपको सही से डालना है, अगर आप ये नहीं डालेंगे तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस शायद सही से प्रिंट नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ों को विशेष ध्यान रखना है। चलो इस वीडियो को यहीं ब्रेक करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।